हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखिए, कल था मकर संक्रांति, जिसके वजह से प्रोबेबली द हिंदू के ऑफिसेज में छुट्टी रही होगी, और इसी के लिए आज जो है ना, द हिंदू का कोई भी नया मतलब आर्टिकल्स नहीं आए हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। आज का इनका जो है इस तरीके से पोर्टल पर आ रहा है, नो इशू अवेलेबल फॉर दिस डेट 2023-1/16। तो इसका मतलब यह है कि 15th को इनका हॉलीडे था, इसलिए ऐसा होता है। बहुत बार साल में 7-8 बार इनकी छुट्टीज होती हैं, तब ऐसा होता है। बट क्या आज हम कुछ भी नहीं सीखेंगे? तो ऐसा नहीं है। देखिए, रिसेंटली जो है ना, अर्मेनिया अजरबैजान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक IR का ये है, इंटरनेशनल रिलेशन का, जो कि क्लैट में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आज के सेशन में हम डिटेल में अर्मेनिया अजरबैजान क्राइसिस को पूरा डिकोड करने वाले हैं। इसको बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, 360 डिग्री एनालिसिस आपके लिए ये होने वाला करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा नगोर्नो काराबाख रीजन, और जो एक सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, या कह लीजिए अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में जो एक 44 दिन का युद्ध हुआ है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। ये आपका इंटरनेशनल अफेयर्स का, अगर हम भारत की बात ना करें तो इंटरनेशनल अफेयर्स का इस साल की सबसे बड़ी घटना है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट घटना है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद। चलिए, अब बात यह भी आती है कि सर हम क्यों पढ़ें, इस रीजन की बात है। देखिए, बात इस रीजन की जरूर है, पर यहाँ पे क्या है, जियोपॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है, जो आगे जाके आपकी इंटरनेशनल अफेयर्स को इम्पैक्ट डालती है, आगे जाके आपके इंटरनेशनल अफेयर्स को इम्पैक्ट डालती है, और अल्टीमेटली ये जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से खेली जाती है वो हर कंट्री पे इम्पैक्ट डालती है। बड़ी बात यह है कि इस तरीके का वॉर काफी समय बाद लड़ा गया है, छोटा सा वॉर था पर हाँ लड़ा गया, World War I की स्टाइल में, ट्रेंचेस खींची, टैंक्स हुए और नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हुआ। तो ये आपका जो ये वॉर लड़ा गया है, ये एक अच्छा एग्जांपल देता है कि अभी के जो वॉर हैं छोटे स्केल पे कैसे होते हैं, और कैसे बड़ी बड़ी पावर जैसे रशिया टर्की कैसे इन्वॉल्व हैं, हम ये भी समझेंगे। चले शुरू करते हैं। तो एक अगर टाइमलाइन सर्च करें, ये आपकी 1 जुलाई से कुछ शुरू हुई बात। अच्छा, ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे हम समझेंगे। जुलाई से बात शुरू हुई, आपका एक कंट्री है अर्मेनिया और दूसरा कंट्री है आपका अजरबैजान। अब ये बात होती है कि भाई वो कहते हैं इन्होंने उनको पहले शुरुआत की, और वो कहते हैं इस पे इन्होंने इम्पैक्ट डाला, या फिर इन्होंने पहले लड़ाई की, ये कहेंगे नहीं इन्होंने पहली बार बमबारी की। तो यहीं से कहानी शुरू होती है। तो जुलाई में पहली बार हुई, फिर सितंबर में एस्केलेट हुआ, सितंबर में फुल ब्रॉन बात शुरू हो गई, और अल्टीमेटली 10 नवंबर को आपका अर्मेनिया ये वॉर हार गया, और अर्मेनिया ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और एक एग्रीमेंट साइन हो गया। अजरबैजान एक विक्टर की तरह निकला इस पूरे प्रोग्राम में, पूरे वॉर में कहना चाहिए, इस प्रोग्राम में। और फाइनली आपका दिसंबर आते आते ये देखा गया कि जो एक सीज फायर और जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो आप देखेंगे कि वो एग्रीमेंट भी ब्रीच होने लगा। इसका मतलब कि अभी कोई एक वॉर के बाद जो पीस ट्रीटी होती है वो अभी इफेक्टिव नहीं है, और ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता रहेगा। पर जो कॉन्फ्लिक्ट का मेजर हब था, एपिसेंटर था, ये जो नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, वो हम समझेंगे और जानेंगे। चलते हैं, पहले हम इस पूरे रीजन को देखते हैं, इस पूरे रीजन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। हम बात कर रहे हैं कैस्पियन सी के बगल में अजरबैजान एक कंट्री है, और उसके पास में एक कंट्री है अर्मेनिया। इन दोनों कंट्रीज की ऊपर एक बड़ा कंट्री है रशिया, एक कंट्री है यहाँ पे ईरान, और एक कंट्री जो सबसे बड़ा प्लेयर है इस पूरे खेल में आफ्टर रशिया और टर्की। अगर आप देखें टर्की कितना बड़ा रीजन है, और उसके बगल में इसके छोटे छोटे नेबर हैं, ठीक। इसलिए हम बाद में पढ़ेंगे कि रशिया और टर्की का पूरे कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं और हम अर्मेनिया को भी इंटर कराते हैं, ठीक है। अर्मेनिया को देखते हैं और अजरबैजान को देखते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जो रीजन है यहाँ पे लाई करते हैं, कैस्पियन सागर और ब्लैक सी, दोनों ही बहुत रिसोर्स रिच रीजन है, ऑयल के डिपॉजिट्स कह लीजिए, गैस के डिपॉजिट्स कह लीजिए, ये बहुत ज्यादा इस रीजन में पाए जाते हैं। आपने सुना भी होगा तापी पाइपलाइन है ना, तापी पाइपलाइन क्या है, तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान यही एरिया है जहां से वो गैस निकालता है। सिमिलरली अजरबैजान के पास भी उसकी मेजर इकोनॉमी किससे चलती है, ऑयल और गैस से चलती है। तो ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा एक रिसोर्स रिच रीजन है, इसलिए ऑयल और गैस के रिजर्व के चक्कर में कंट्रीज एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में आती रहती हैं और एक दूसरे को
सपोर्ट और अपोज करती रहती हैं। चलिए हम आते हैं और जूम इन करते हैं, और जूम इन करके हम पाते हैं अब हम इन कंट्रीज पे आ जाते हैं। एक कंट्री है आपकी अजरबैजान और एक कंट्री है आपकी अर्मेनिया, और लड़ाई है आप कह लीजिए जैसे इंडिया और पाकिस्तान की, किस चीज पे लड़ाई है? कश्मीर पे। इंडिया और पाकिस्तान की किस चीज पे लड़ाई है? कश्मीर पे। सिमिलरली इन दोनों की लड़ाई है इस छोटे रीजन के जिसको नाम है नगोर्नो कारबाख। अब आप कुछ चीजें देखेंगे कि थोड़ा इंडिया पाकिस्तान से थोड़ा थोड़ा रिलेशन भी है काफी हद तक, ठीक है, काफी सिमिलैरिटीज और पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं इस चीज से। सो ये इंटरेस्टिंग एरिया क्यों है? ये इंटरेस्टिंग एरिया इसलिए है क्योंकि ये है, आप टेरिटोरी में देखें अगर तो ये पूरा किस रीजन में आता है? ये एरिया आता है आपका अजरबैजान के अंदर, है ना, ये अजरबैजान के अंदर आता है। बट इसको रन कौन करता है? आपके एथनिक अर्मेनियंस, मतलब कि अर्मेनिया के ही लोग इसको अभी डिफैक्टो तरीके से गवर्न करते हैं। डिफैक्टो मतलब कि रियलिटी में, कह लीजिए रियलिटी में लॉ किसका चलता है? सरकार किसकी चल रही है? अर्मेनिया की चल रही है, ठीक। वहां अजरबैजान की सरकार नहीं चल रही, बोलना चाहिए थी, ये था होना चाहिए वॉज, क्योंकि अब तो वॉर हो गया और रिजल्ट पलट गया, हम वो समझेंगे। तो ये नगोर्नो कारबाख का जो रीजन है, ये रीजन क्या है? ये रीजन अजरबैजान के अंदर है और इसको कंट्रोल कौन करता था? अर्मेनिया। हिस्ट्री भी हम समझेंगे। अब हम हिस्ट्री से ही शुरुआत करते हैं। आपने यूएसएसआर का नाम सुना होगा, है ना, जो आपके कोल्ड वॉर के समय एक बहुत बड़ी एंटिटी थी, रशिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज को मिला के अपना एक इसने यूएसएसआर की स्थापना की, ठीक। उस यूएसएसआर में जो आपका यूएसएसआर की स्थापना कब हुई थी? 1917 एक रशियन रेवोल्यूशन के बाद। रशियन रेवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर की स्थापना हुई। यूएसएसआर में क्या बना आपका? दो नई कंट्री जो यूएसआर के पार्ट थे, आप ये देखें, कंट्री नंबर 9 अर्मेनिया और कंट्री नंबर 10 अजरबैजान। तो ये यूएसएसआर के पूरे कंट्रोल में रहे ये दोनों कंट्री, पर यूएसएसआर ने जो कंट्री नंबर 10 था उसका प्लेस दिया कंट्री नंबर 10 को, बोला कि भाई ये कंट्री नंबर 10 है और ये जो एरिया है ये अजरबैजान को मिलना चाहिए भाई। ये यूएसएसआर का मानना था, उन्होंने जिस तरीके से मैप ड्रॉ किया। पर यहाँ रहते कौन लोग थे? यहाँ रहते थे अर्मेनियन लोग, एथनिक अर्मेनियन लोग। इन अर्मेनियन लोगों ने कहा नहीं 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 भाई, हम अजरबैजान का पार्ट नहीं बनेंगे, हम वाई विल बी द पार्ट ऑफ अजरबैजान। तो वहीं से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत थी 1920 से। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के ओरिजिन कहाँ है? 1920 से ही इस कॉन्फ्लिक्ट के ओरिजिन है, जब से यूएसएसआर की स्थापना हुई। लेकिन यूएसएसआर में बड़े बड़े आपके बहुत डिक्टेटोरियल और बहुत ही टोटलिटेरियन तरीके के राजा, वो सॉरी रूलर है स्टालिन वगैरह, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, आप लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, आपको रहना पड़ेगा अजरबैजान के अंदर। तो ये जो अर्मेनिया के लोग जो रहे यहाँ पे, ये हमेशा क्या करते रहे? प्रोटेस्ट करते रहे, समझिएगा इस चीज को। ये प्रोटेस्ट चलता रहा, ठीक। एक और चीज समझते हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में, थोड़ा उनकी कंट्री की भी दशा समझते हैं। अर्मेनिया जो कंट्री है इसमें करीब 30 लाख लोग रहते हैं। 30 लाख लोग कितने ही होते हैं आप समझ सकते हैं, इससे ज्यादा लोग तो हमारे दिल्ली में रहते हैं, जहां पे 95% लोग क्रिश्चियन हैं। जबकि आपके अजरबैजान क्या है, वहां पे 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है और करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं। तो आपको लग सकता है कि ये रिलीजियस वॉर रहा होगा, ये रिलीजन की वजह से लड़े होंगे, पर ऐसा नहीं है। दोनों ही कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री कहने का मतलब क्या है? दोनों ही कंट्री में ऐसा नहीं है कि आपको इस्लामी फॉलो करना है अजरबैजान में या आपको क्रिश्चियनिटी ही फॉलो करनी है अर्मेनिया में, ऐसा नहीं, ठीक। आपकी जो वॉर हुई वो आपके रिलीजियस टेंशन की वजह से नहीं हुई, जो टेंशन ईरान और सऊदी के बीच में है, जो टेंशन एक तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी है, वैसी टेंशन नहीं है। यहाँ टेंशन है इस टेरिटरी को लेकर। अच्छा, अगर हम इस टेरिटरी को लेकर बात करें, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे करीब 1.5 लाख लोग रहते हैं केवल, कितने बड़े से एरिया में। ये काफी माउंटेनियस एरिया है, माउंटेन्स काफी हैं यहाँ पे, बट फिर भी इस एरिया की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना दोनों लोग चाहते हैं। चलिए, तो ये हमने इसके बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं 1920 की, थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं। 1920 में हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई, पर बड़े बड़े रूलर होने की वजह से और यूएसएसआर के मजबूत होने की वजह से उस कॉन्फ्लिक्ट का कुछ हो नहीं पाया। फिर आते आते 1988 आया। 1988 में क्या होने लगा? आपका यूएसएसआर वीक होने लगा, आपके यूएसएसआर के टूटने की नौबत आने लगी। तो 1988 से 1994 के बीच में यहाँ पे क्या चलता रहा? फर्स्ट वॉर चलता रहा। वॉर चलता रहा किसके बीच में? अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में।
ये दोनों लड़ते रहे कि भाई इस जगह पे किसका कंट्रोल होगा। फिर 1994 में रशिया ने इनको हेल्प किया, रशिया ने बोला ऐसा करो कि भाई जो उस समय कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, और ये बोला गया कि भाई ये आपका नगोर्नो कारबाख को जो रीजन है ये आर्मेनिया की गवर्नमेंट चलाएगी। तो अभी हम जो स्टेटस को आज से चार महीने पहले या छह महीने पहले हम जो स्टेटस को देख रहे हैं वो 1994 का बना हुआ है। पर आपको लगता है कि अजरबैजान इसमें खुश रहेगा? क्या उसको अच्छा लगेगा कि उसकी टेरिटरी के अंदर एक छोटा सा टेरिटरी किसी और का है? तो टेंशन हमेशा हाई रही, जैसे कि 2016 में भी कुछ ना कुछ फाइट होती रही, कुछ ना कुछ लड़ते भिड़ते रहते हैं, जैसे हम कश्मीर के ऊपर इंडिया पाकिस्तान आपस में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी कुछ और चलती, थिंग्स कीप ऑन गोइंग, इजंट इट। अब आया मेजर टाइम, आया आपका 2020 का, 2020 का टाइम आया, ऑयल गैस के प्राइस कम हो गए, क्रूड ऑयल के प्राइस काफी कम हो गया, क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो गया, इन सब की इकोनॉमी की बिल्कुल दशा डूब गई, क्योंकि ये सब इकोनॉमी पे डिपेंडेंट थी ऑयल और गैस पे। और जब भी आपकी इकोनॉमी टूटती है तो क्या करते हैं लोग, आप समझिए, जब भी आपकी इकोनॉमी टूटती है तो लोग किसकी तरफ जाते हैं? वॉर की तरफ, ताकि आपके जो लोग हैं जो ऑयल और गैस के प्राइस कम होने की वजह से दुखी हैं, बिकॉज आपकी पूरी इकोनॉमी उसी पे डिपेंडेंट है, तो लोगों को अगर आप वॉर का क्या बोलते हैं उसको झुंझुना पकड़ा दें, सो दे विल बी हैप्पी कि हाँ हाँ ठीक है, नहीं आपको पहले आर्मेनियंस को हरा दो, भले ही हम कम कपड़े पहन लेंगे, हम फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हमें खाना मिले चाहे ना मिले, बट हमें जीतना है आर्मेनियंस से। तो वो वॉर की बात शुरू हो गई, तो इसके पीछे का ये भी कॉन्टेक्स्ट है। फिर आपका वॉर शुरू हुआ, वॉर की बात शुरू हुई, और फिर आपको हेल्प किया, आपके अजरबैजान को हेल्प मिली सबसे बड़ी तुर्की से, अजरबैजान को हेल्प मिली इसराइल से, किस चीज में? वेपन्स में। और अल्टीमेटली अजरबैजान ने अर्मेनिया को हरा दिया, और अर्मेनिया की जो एक मेजर सिटी थी सुश्तार सिटी, उसको वो फॉल कर गया, और अल्टीमेटली जो यहाँ के लोग थे उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, अब हम आपसे लड़ नहीं पाएंगे, अब हमारी अब टेरिटरी ले लीजिए। तो ये हुई आपकी कहानी वॉर की, ठीक। तो अभी क्या स्टोरी हो गई, ये एरिया मेजरली या प्रेडोमिनेंटली किसने ऑक्यूपाई कर लिया, अजरबैजान ने, जो पहले आर्मेनिया की गवर्नमेंट ने ले रखा था, एक आर्मेनिया की सरकार थी सेल्फ गवर्नमेंट, उसको को दे दिया। हमें बहुत निटी ग्रिटीज में भी नहीं जाना है, लेकिन आप थोड़ा बहुत समझना है। चलिए 1988 में जैसा मैंने बोला, जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ये जो लेजिस्लेचर ऑफ आर्मेनियन इनक्लेव, किसकी बात हो रही है, इस इनक्लेव की, नगोर्नो कारबाख, इसने एक रेफरेंडम किया और बोला कि भाई हम अजरबैजान से अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जैसे हम डिस्कस किया है कि 1988 में यूएसएसआर वीक होने लगा, तो यहाँ इनक्लेव के लोगों को लगा कि यार हमें फिर से, क्योंकि बड़ी अथॉरिटी जो सबको बांध के रखी थी वो क्या हो गई, कमजोर हो गई, तो हम रेफरेंडम करते हैं और हम अजरबैजान से अलग हो जाते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं, फिर वॉर हुआ जो हमने पढ़ा। चूंकि यूएसएसआर ने हमेशा, समझिएगा इस बात को, यूएसएसआर ने हमेशा नगोबो कारबाख को किसका पार्ट माना, अजरबैजान का, तो इंटरनेशनल लॉस के हिसाब से नगोबो कारबाख किसका पार्ट है, अजरबैजान का। एज पर द इंटरनेशनल लॉ अजरबैजान डिक्लेयर्ड दीज लैंड्स एज इलीगल, मतलब आर्मेनिया का इसको कंट्रोल करना इलीगल है, इसलिए अजरबैजान के पास हमेशा एक जस्टिफिकेशन रहा कि हम भाई इस नगोबो कारबाख को हम कभी भी अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लेंगे, और कर भी लिया उन्होंने। अब बात करते हैं कुछ कंट्रीज के स्टेक्स की यहाँ पे। अब जैसे रशिया की बात करते हैं, रशिया के दोनों ही कंट्री से अच्छे रिलेशन थे, चाहे वो अजरबैजान हो चाहे आर्मेनिया हो। रशिया का एक मिलिट्री बेस है आर्मेनिया में, और इनके अजरबैजान को ये क्या देते हैं, खूब सारे वेपन्स देते हैं। तो रशिया के दोनों से रिलेशन है, इसलिए रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, कभी भी इनके बीच में पीस बिठानी होती थी अगर कि पीस करानी हो तो भैया रशिया से बोलो, क्योंकि वो दोनों के बराबर बराबर दोस्त हैं। पर यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर निकल के आया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, टर्की, जो टर्की पूरी तरीके से क्या निकला, प्रो अजरबैजान। अब टर्की की मानसिकता क्या है, हम टर्की को कभी और भी डिस्कस करेंगे, एर्डोगन की बात करेंगे, बट टर्की की मानसिकता आप देखिए, इतना बड़ा कंट्री और उसके बगल में चिन्नू चिन्नू छोटे छोटे कंट्री है ना, आर्मेनिया और अजरबैजान, तो ये चाहता है कि हमारा कंट्रोल इन कंट्रीज पे रहे, ताकि इस पूरे रीजन में हमारी हेजमनी बनी रहे, इस रीजन में हमारी ही बात चले। तो टर्की ने पहले बोला कि भैया हम तो अजरबैजान का साथ देंगे, और हमें अगर मिलिट्री सपोर्ट भी देना पड़े तब भी हम इसको तो सपोर्ट देंगे ही देंगे एट एनी कॉस्ट।
इसको सपोर्ट हमें देना ही देना है। और बोला कि हम अपोज करेंगे किसको, आर्मेनिया को, क्योंकि आर्मेनिया के साथ हिस्ट्री का टर्की का हमेशा से एक डिस्प्यूट रहा है, टर्की वर्सेस आर्मेनिया। आप विकिपीडिया पे गूगल कर सकते हैं, एक जीनोसाइड हुआ वर्ल्ड वॉर वन में, जहां पे ऑटोमन्स ने आर्मेनियंस को खूब मारा, उसको बोलते हैं आर्मेनियन जीनोसाइड। उस जीनोसाइड में क्या हुआ, ऑटोमन्स ने, जो टर्की के पहले क्या था इस जगह पे, ऑटोमन अम्पायर था, सुना होगा आपने ऑटोमन अम्पायर, जब आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आपने खिलाफत आंदोलन सुना होगा, तो जो ऑटोमन अम्पायर था जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद खत्म हो गया, उस ऑटोमन अम्पायर ने आर्मेनियंस को खूब मारा। इसलिए आर्मेनिया में हमेशा टर्की के लिए क्या रहती है, नफरत रहती है, और टर्की को भी आर्मेनिया पसंद नहीं है। और टर्की और अजरबैजान, समझिए, ये कहते हैं कि कभी ऐसा जिनोसाइड हुआ ही नहीं, जो आपके ये टर्की और अजरबैजान कहते हैं हमने कभी तो ऐसा जिनोसाइड किया ही नहीं। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये बात भी है। तो इसलिए टर्की ने बोला हम तो पूरा सपोर्ट करेंगे आपके अजरबैजान को। और इसलिए ये वॉर किसने जीता, अजरबैजान ने जीता। क्यों, अजरबैजान ने प्लेस इट्स बेट ऑन सोफिस्टिकेटेड वेपन्स व्हाइल आर्मेनिया रिलाइड ऑन द ओल्ड रशियन मेड आर्म्स एंड ऑब्सोलीट स्ट्रेटजी। नए नए वेपन मिले अजरबैजान को, टर्की का सपोर्ट मिला, और इसलिए अजरबैजान ने ये फाइट जीती। इस ऑपरेशन को और भी नाम दिया गया क्या, आयरन फिस्ट ऑपरेशन। ठीक है, चलिए अब हम अगर बात करें इस पूरे रीजन में, जैसे हमने समझा इस रीजन बहुत ऑयल और गैस रिच है। अच्छा, टर्की ने साथ और भी क्यों दिया, एक दो बातें और भी हैं। टर्की ने साथ इसलिए भी दिया क्योंकि टर्की को, टर्की में एक मेजर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अजरबैजान की तरफ से आता है। टर्की को अजरबैजान बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, FDI कह लीजिए, पैसा डालना, इन्वेस्ट करना। प्लस अजरबैजान के पास क्या है, बहुत ज्यादा ऑयल और गैस भी है। तो टर्की को हमेशा वही चीज, हमको तो भाई ये पसंद है अजरबैजान, है ना, इसलिए उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में भी पूरी तरीके से अजरबैजान का सपोर्ट किया। चलिए, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने जो देखा, हमने क्या समझा, इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने समझा कि एक कॉन्फ्लिक्ट था एक टेरिटरी के लिए, जिसके रूट्स हैं आपके ओल्ड वॉर के पहले के समय के, USSR के समय के, और उसके जो अभी जो रिसेंट वॉर हुआ, वो वॉर भी किस बेसिस पे हुआ, एक कंट्री को रीजनल पावर्स ने सपोर्ट किया, टर्की ने, ऊपर से रशिया ने, इधर से ईरान ने, और उस सपोर्ट की वजह से इसने एक टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया। बट इसके पीछे की एक बहुत बड़ी बात है, अच्छा ये देखिए, एर्डोगन प्रेजेस अजरबैजान्स ग्लोरियस विक्ट्री कॉल्स फॉर रिजीम चेंज इन आर्मेनिया। एर्डोगन तो कहते हैं, एर्डोगन मतलब टर्की, एर्डोगन तो ये तक भी कहते हैं कि भाई हमें आर्मेनिया में रिजीम चेंज कर देना चाहिए, आर्मेनिया में जो आपके राष्ट्रपति हैं इनको भी हटाओ और अपना ही बढ़िया बंदा बैठाते हैं। हमें एक चीज समझनी है यहाँ पे कि ऐसा और भी क्या इश्यूज हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, जहां हम इंडिया और पाकिस्तान के थोड़े पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। वो इशू है एक्सेसिव नेशनलिज्म का। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई बच्चा आर्मेनिया में पैदा होता है तो उसको बचपन से क्या सिखाते हैं कि अजरबैजान क्या है, अजरबैजान आपका इनमी कंट्री है। सिमिलरली अगर कोई बच्चा अजरबैजान में पैदा होता है तो क्या है वो, कि भाई आपको इससे हेट करना है, आर्मेनिया से हेट करना है। तो जो बचपन से जो हेट इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है बच्चों में, वो हेट का ही क्या है, ये रीजन है। और ये हेट ही बताते हैं, कई एनालिसिस्ट आप कई आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पीस यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती। हमने देखा दिसंबर में क्या हुआ, जो आपका पीस एग्रीमेंट था वो वायलेट हो गया। तो पीस क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि ये पूरा वॉर क्या है, प्रोपोगंडा पर बेस्ड है। ये पूरा वॉर क्या है आपका, डिसीट पर बेस्ड है। एक एक इंडॉक्ट्राइन किया गया है बच्चों को बचपन से कि आर्मेनिया आपका एनमी है, वो आपका एनमी है। ठीक, अच्छा एक और रीजन हमें जानना चाहिए इस पर्टिकुलर एरिया में, यही रीजन है, ये छोटू सा कॉरिडोर है आप देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर नगोकारबा और ये आपका आर्मेनिया के बीच में, इसको बोलते हैं लेचिन कॉरिडोर। इस लेचिन कॉरिडोर को ये आपके 10 नवंबर के एग्रीमेंट के हिसाब से कौन संभालेगा, रशिया की फोर्सेस संभालेंगी 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। तो ये लेचिन कॉरिडोर भी इसलिए आपको पता होना चाहिए। सो अल्टीमेटली हमने पूरी कॉन्फ्लिक्ट से क्या सीखा, पूरी कॉन्फ्लिक्ट से हमने अल्टीमेटली सीखा कि कैसे आपके जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है ये एस्केलेट हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना, कोविड, उसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन हुए,
कैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स ने एक छोटे से कॉन्फ्लिक्ट को हमें एक छोटा सा वॉर दिखाया 2020 में, और कैसे अभी भी पीस नहीं आएगी, पीस अभी भी नहीं आएगी, क्योंकि ये बेस्ड है अल्ट्रा नेशनलिज्म पे, जो सेम हम देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के केस में भी। इंडियंस को सिखाया जाता है कि पाकिस्तानी एनिमी है, और पाकिस्तानी इसको सिखाया जाता है कि इंडियन एनिमी है। तो प्रोपोगेंडा, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म, ये सभी इसके पीछे के कारक हैं। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एनोटेटेड पीडीएफ, जहां पे मैंने पेन से लिखा हुआ है, अपने हमारे टेलीग्राम चैनल से। हम सबसे क्या उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझेंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को समझना जरूरी है, ये हमें एक अच्छा पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जब इतनी बड़ी कोई घटना हो रही है हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स में, ठीक है, और जिसके लेटर ऑन रिपरकशंस हम भी देख सकते हैं भारत के ऊपर भी, वो किस फॉर्म में आएंगे वो तो समय बताएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगला सेशन हम रखेंगे लेट्स से इशू ऑफ लोकायुक्ता पे, और हम उसमें इशू समझने की पूरी कोशिश करेंगे, लोकायुक्त क्या होते हैं, और अभी आपके गोवा के जो लोकायुक्त थे उन्होंने क्या बोला कि ये क्या समस्याएं हैं लोकायुक्त के ऑफिस में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना नया साल